नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। आइए देखते हैं तमिलनाडु के किस लोकसभा क्षेत्र से कौन से प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं। थिरुवल्लर से डॉक्टर के जयकुमार, चेन्नई नॉर्थ से डॉक्टर कलानिधि, चेन्नई साउथ से टी थंगापाड़ियन, चेन्नई सेंट्रल से दयानिधि मारन, श्री परम्बुट्टूर से टी आर बालू, कांचीपुरम से जी सेल्वम, अराकोनम से एस जगथ्रचागन, कृष्णागिरी से डॉक्टर ए चेल्ला कुमार, धर्मपुरी से एस सेंटिल कुमार, तिरुवन्नामलाई से सी एन अन्नादुराई, अरानी से डॉक्टर एम के विष्णु प्रसाद, विन्नुपुरम से डी रवि कुमार, कालाकुरुची से जी सीगामानी, सलेम से एस आर प्रतिवन, नमक्कल से ए के पी चिन्नाराज, एरोड से ए गणेशामूर्ति, तिरुपुर से के सुब्रियन, नीलगिरिस से ए राजा, कोयम्बटूर से पी आर नटराजन, पोलाची से के समागसुंदरम, डिंडीगुल से पी वेलुचामी, करूर से सेल्वी जोठीमानी, तिरुचुपल्ली से सु थिरुवन्ना क्रासर, पेराम्बलूर से टी आर पंचामुठु, कुडालोर से टी आर वी एस रमेश, चिदंबरम से थोल थिरुमल्लावन, मयाली दुथुराई से एस रामालिंगम, नागापट्टिनम से एम सेलवारसु, थांजापुर से एस एस पलानी मिक्कम, शिवगंगा से कार्ति चिदंबरम, मदुरई से एस वेंकटेशन, थैनी से पी रविंद्रनाथ कुमार, विरुधुंगर से मानिकन टैगोर, रमंथपुरम से के नावास कानी, टूथुकुडी से एम कानीमोजी, टेनकासी से धनुष एम कुमार, तिरुनुल्लुवेल्ली से एस गणथ्रिवियम, कन्याकुमारी से एच वसंत कुमार। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं, पर एक सीट पर चुनाव नहीं हो सका था। डीएमके के खाते में 23 सीटें गई, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें, एआईडीएमके के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 6 सीटें। धन्यवाद। आप देखते रहिए द इन्फो क्लब।